भाजपा पार्षद सत्या देवी जायसवाल के पुत्रों के खिलाफ दर्ज हुई FIR को लेकर भाजपा सांसद एवं विधायक ने विरोध जताया है। उन्होंने छावनी पुलिस द्वारा एक पक्षी FIR दर्ज करने का आरोप लगाते हुए धाराएं हटाने और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सत्या देवी जायसवाल के पुत्रों के खिलाफ छावनी थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का भाजपा सांसद विजय बघेल, विधायक विद्यारतन भसीन, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने विरोध किया है। सांसद विजय बघेल, विधायक विद्यारतन भसीन, भाजपा नेता राकेश पांडे भाजपा के पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ CSP कार्यालय छावनी पहुंचे और CSP छावनी कौशलेन देव पटेल से मुलाकात कर छावनी थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही पुलिस पर एक पक्षी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। CSP छावनी ने भाजपा नेताओं की बातों को सुना और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आश्वस्त किया। सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 अप्रैल को हमारी बहन सत्या जायसवाल जी पार्षद उस वार्ड में कुछ आपसी विवाद आए, एक टूटा हुआ पाइपलाइन को लेकर उससे शिकायत करके गए थे तिवारी परिवार के बच्चे, और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि उसको ठीक करा दें। मामला ये था कि काम चल ही रहा था, इनका कहना था कि काम पूरा हो जाए क्योंकि और काम होगा तो टूटेगा, तो काम पूरा हो जाए उसके बाद इकट्ठा सब जो जो पाइप टूटे हैं उसको सब ठीक करा देंगे, अगर एक बार ठीक करा है फिर टूटा ठीक कराना पड़ेगा, ये तार्किक बात इन्होंने की। लेकिन सामने वाले के मन में पता नहीं कुछ और बातें थी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, आपस में धक्का मुक्की हुआ, धक्का मुक्की में दो बच्चों के बीच में मारपीट हुई है, माँ बाप बचाने आए तो धक्का मुक्की में स्वाभाविक है कुछ हल्का फुल्का उसको भी टच हुआ होगा, उसको लेके पुलिस में रिपोर्ट हुई। ये रिपोर्ट करने आए तो उस दिन आवेदन चूँकि रात हो गया था तो नहीं वो दिए और दूसरे दिन तिवारी परिवार रात को ही आवेदन दिए और रात को ही इनके ऊपर धारा लगा दी और वो धारा भी कि घर में घुस के मरे 452 लगा दी जो निराधार निराधार जो झूठा है, और ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर तरस आता है बिना छानबीन के इतना बड़ा धारा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के ऊपर जो आगे उनका भविष्य है उनका करियर है उसको खराब करने का एक कुकृत्य किया गया है। ये लोग बार बार आए, हम लोग भी TI को फोन किए जहाँ पे उसको छावनी दिया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि 30 अप्रैल में इसको छानबीन करके ठीक करें क्योंकि कैमरे में भी आया है, फुटेज भी है, उसके पास मोबाइल में भी कुछ लोग फोटो खींचे थे वो भी है, सीधा दिख रहा है कि बाहर सड़क लड़ाई हुई लेकिन वो झूठा धारा लगा और एक तरफा धारा लगा दी है, इसके आवेदन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं देखा चल रही है और उसी बात को लेके ये लोग भी बार बार आए थे और उनसे भी बात की, तीन बार यहाँ के TI से भी बात की, माननीय विधायक हमारे को लगातार बात कर रहे हैं, अभी पटेल जी उस पर छानबीन करवा रहे हैं और पूरी तरह आश्वस्त ये है कि मैं इसको छानबीन करा के ही। देखिए कानून व्यवस्था का मामला है, हमारे जनप्रतिनिधि हम लोग काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे हैं कि कार्रवाइयाँ, देखिए घटनाक्रम तो होते रहते हैं लेकिन एक पक्षी घटनाक्रम क्यों होना चाहिए, दोषी किसी को दोषी यदि दो पक्ष है बिना जांच करके किसी एक पक्ष को दोषी बना देना, उनके खिलाफ अलग अलग धाराएं लगा देना, तो इस प्रकार का लगातार चल रहा है शासन में। हम सारे लोगों ने आज तय किया कि नहीं, हम लोग इस बात को विभाग के पास रखेंगे और रखने के बाद में कार्रवाई होगी तो उसको स्वीकार करेंगे, नहीं होगी आगे का कदम तय करेंगे। माननीय सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारा पूरा संगठन, पीड़ित पक्ष, सारे लोग आज इकट्ठे होकर के अपनी बात को रखा है पुलिस प्रशासन के सामने। बहरहाल CSP को ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा के समस्त पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।